अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन, स्टे होम स्टे सेफ। क्लास, इट्स आर साइंस लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट गैसेस। चैप्टर नंबर 6 है सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में हम लोग ने अपनी लास्ट रीडिंग में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 47 ओपन कीजिए। हरियप जी, नाउ रीड विद मी एंड लिसन टू मी केयरफुली। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। गैसेस का टॉपिक बहुत ही मज़े का टॉपिक है। अगर आप लोग केयरफुली सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। लेट्स स्टार्ट आर रीडिंग। गैसेस, मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन, सो इट इज़ नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब दैम। अब गैसेस क्या हैं? बहुत सी गैसेस ऐसी हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, ना हम इन्हें टच कर सकते हैं, ना हम इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। वी कैन समटाइम्स फील दैम, लेकिन बाज़ औक़ात क्या है, हम इसे महसूस कर सकते हैं। ब्लो ऑन योर हैंड, कैन यू फील द एयर ऑन योर हैंड? अब आप लोग अगर अपने हाथ को ऐसे हवा में हिलाएं तो क्या आपको हवा महसूस होगी? ना अपने हाथ पे, जब हम लोग ऐसे हवा में अपना हाथ मूव करते हैं तो हमें अपने हाथ पे हवा फील होती है। द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। अब हमारे इर्द गिर्द की जो हवा है वो किससे बनी है? डिफरेंट किस्म की गैसेस से मिलकर बनी है। जी, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हवा चल रही है, इसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी जो अम्ब्रेला है वो उड़ रही है और उसके बाल उड़ रहे हैं, उसका ड्रेस उड़ रहा है, तो उसे फील होती है। जब बहुत तेज़ हवा चलती है हमें फील होती है। बाज़ औक़ात इतनी हवा तेज़ होती है कि हम लोग भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। जैसे कि हॉट एयर बलून, ये जो हॉट एयर बलून है इसमें हॉट गर्म हवा भरी जाती है जिसकी मदद से ये उड़ता है। नेक्स्ट देखिए, वन इम्पॉर्टेंट गैस इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन। अब एक बहुत ही अहम गैस है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो ऑक्सीजन कहलाती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। अब तमाम जो जानदार हैं, जो लोग सांस लेते हैं, जो जिंदा होते हैं, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। फायर नीड ऑक्सीजन टू बर्न। आग को भी जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन गैस कम हो या ना हो तो वहाँ पर आग नहीं जलती, ठीक है। मटीरियल्स कैन चेंज शेप। अब मटीरियल्स कहते हैं मवाद को, कोई भी ऐसा मवाद जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट चीज़ें बना सकें। मटीरियल्स कैन चेंज शेप। अब मटीरियल्स की जो है हम शेप चेंज कर सकते हैं। कैसे शेप चेंज कर सकते हैं? वी यूज़ मटीरियल्स टू मेक थिंग्स। हम जो है मवाद को, मटीरियल्स को यूज़ करते हैं चीज़ें बनाने के लिए। वी कैन चेंज द शेप ऑफ मटीरियल्स बाय। अब हम लोग ये हमें आगे बता रहे हैं कि हम कैसे उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। बाय ट्विस्टिंग, उसे मोड़ के, स्ट्रेचिंग, खींच के, बैंडिंग। बैंड का मतलब भी मोड़ना ही होता है, ट्विस्ट का मतलब होता है आपस में किसी चीज़ को एक दूसरे पे मोड़ना, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर देना। और बैंड होता है किसी चीज़ को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, झुका देना, ठीक है। तो बैंड का मतलब होता है टेढ़ा वाला मोड़ना, मतलब अगर ये जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, अगर मैं इसको यूं करूँगी तो ये मैंने अपने हैंड को क्या किया, बैंड किया, लेकिन ये जो मेरी फिंगर्स हैं इन्हें मैंने आपस में क्या किया, ट्विस्ट किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड स्क्वैशिंग दैम, और उन्हें दबाना। स्क्वैशिंग दैम दबाना, दबाना मतलब कि किसी चीज़ में जैसे कि अगर बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल, जब हम उसको दबा देते हैं, उसको हम स्क्वैश कर देते हैं, तो उसके अंदर आपको पता है डेंट आ जाते हैं, बॉटल टेढ़ी हो जाती है, उसमें डेंट आ जाते हैं, उसे कहते हैं स्क्वैशिंग। वी कैन समटाइम्स चेंज द फॉर्म ऑफ थिंग्स बाय हीटिंग, मेल्टिंग, कूलिंग और फ्रीजिंग दैम। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम चीज़ों को चेंज कैसे करते हैं? हीटिंग, उन्हें गर्म करके, मेल्टिंग, उन्हें पिघला के, कूलिंग, उन्हें ठंडा करके, और फ्रीजिंग दैम, और उन्हें जमा के। ये देखें, जैसे कि अब आइस की देखें, आइस जो है, एक जो पानी है वो हमारे पास तीनों फॉर्म में आ सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैसे, ये हम पढ़ेंगे। व्हेन द वाटर फ्रीजेस इट बिकम आइस। अब क्या होता है, जब हम पानी को जमाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में। आइस इज सॉलिड, और आइस क्या होती है, वो सॉलिड होती है। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
ठंडा करते हैं, फ्रिज में जमाते हैं, तो वो बर्फ़ बन जाती है जो कि सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। व्हेन आइस मेल्ट्स, और जब आइस पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है, इट बिकम्स वाटर, और फिर वो पानी में चेंज हो जाती है, इट इज़ लिक्विड, और वो क्या किस फॉर्म में आ जाती है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट देखें, व्हेन वाटर इज़ हीटेड, और जब हम पानी को उबालते हैं, इट बिकम्स वेपर, और वो बुखारात में चेंज हो जाती है। वाटर वेपर इज़ गैस, और वाटर वेपर जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, उसे गैस कहते हैं। देखें क्लास, आप लोगों ने नोट किया होगा, जब कभी हम पानी को बॉयल करते हैं या कोई खाना बना रहे होते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है ना, वो धुआं जो है वो गैस की शेप में होता है। अब जब हम पानी को बॉयल करते होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब पानी को बॉयल करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है, हम पानी रख के भूल जाते हैं, अगर हम लोग पूरा जो है वो एक पैन में अगर हम पूरा भर के पानी रखें बॉयल करने के लिए और हम भूल जाएं, तो ऐसा होता है कि पानी आधा रह जाता है। वो आधा कैसे रह जाता है कि जब वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है, वो जब हीटेड हो जाता है, तो वो गैस की शक्ल में उड़ता जाता है और पानी कम होता जाता है। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास तीनों फॉर्म्स में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जब वो पानी की शेप में होता है तो वो लिक्विड होता है, जब हम उसे फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, आइस बन के, और जब हम उसको बॉयल करते हैं या चूल्हे पे गर्म करते हैं तो वो गैस की शक्ल में उड़ जाता है। ठीक है क्लास, अब हमारा नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 48। जी पेज नंबर 48 पर देखिए, यहाँ पे उन्होंने हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई है, ये वही वाली फिलिंग दी ब्लैंक है जो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज में की थी। नेक्स्ट देखिए, मोर अबाउट सॉलिड रॉक्स। अब सॉलिड रॉक्स कौन सी है, पहले हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा, अब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड रॉक्स के बारे में, रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब रॉक्स चट्टाने जो हैं, चट्टाने जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, उन्हें हम रॉक्स कहते हैं, चट्टाने कहते हैं। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो रॉक्स हैं ये ज़मीन की सतह पर पाई जाती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। अब ये ज़मीन के नीचे भी पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सी चट्टानें ऐसी हैं जो हमें ज़मीन के ऊपर मिलती हैं जैसा कि पहाड़ वगैरह, और बहुत सी चट्टानें ऐसी हैं जो हमें ज़मीन के नीचे भी मिलती हैं, ठीक है। पेबल्स सैंड एंड सॉयल वर वंस पार्ट ऑफ मच लॉन्गर रॉक्स। अब ये जो पेबल्स हम कहते हैं छोटे छोटे कंकर को, छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, कंकर, रेत और जो मिट्टी है, ये किसी ज़माने में बड़ी बड़ी चट्टानों का हिस्सा होते थे। जब वो चट्टानें टूटती हैं, जब हम उन्हें चट्टानों को तोड़ते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे पीसीज रह जाते हैं वो कुछ कंकर की सूरत में, पेबल्स की सूरत में रह जाते हैं, कुछ सैंड रेत की सूरत में रह जाते हैं, और कुछ मिट्टी की सूरत में हमें मिलते हैं, ठीक है। सम रॉक्स आर हार्ड, कुछ जो चट्टानें होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, लाइक मार्बल्स एंड ग्रेनाइट। ये दोनों पत्थर हैं। मार्बल्स आप लोगों ने अक्सर देखा जो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, घरों में आजकल मार्बल्स लगते हैं ना, ये हमें चट्टानों से मिलते हैं। एंड सम रॉक्स आर सॉफ्ट, और कुछ चट्टानें जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, लाइक चॉक एंड कोल, कोयला और चॉक। चॉक आपने देखा है जो वो, उसको हम इजीली हाथ से तोड़ लेते हैं, बहुत सॉफ्ट है, वो भी हमें रॉक से ही मिलती है। और कोयला ये भी एक पत्थर है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट पत्थर है जिसे हम तोड़ के, इजीली तोड़ के इसको हम आग जलाने के और बहुत से डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। रॉक्स इज़ रॉक इज़ वेरी यूज़फुल मटेरियल। अब जो रॉक्स एंड चट्टाने हैं बहुत ही कारामद जो हैं वो मटेरियल है, मवाद है। रॉक्स आर यूज्ड इन मैनी वेज, इन्हें बहुत से तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज रॉक्स आर ब्लोन अप विद द स्टिक्स ऑफ डायनामाइट्स। अब ये जो रॉक्स होती हैं इन्हें हम क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े चट्टाने और रॉक्स होती हैं इन्हें हम डायनामाइट कहते हैं, एक ऐसा मवाद लाइक बॉम्ब, जैसे बॉम्ब होता है ना, ये डायनामाइट जो है वो इस किस्म का जो है वो बॉम्ब लाइक मवाद है, बॉम्ब लाइक मटीरियल है, जिसकी मदद से हम बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को उड़ाते हैं, तोड़ते हैं। ये जो पहाड़ हैं इन्हें आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, तो इन्हें तोड़ने के लिए वो जगह जगह पर डायनामाइट बॉम्ब जो हैं वो लगाते हैं, जब वो ब्लास्ट होते हैं तो उसकी मदद से जो है ये पत्थर हैं वो फिर छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाते हैं। बहुत छोटे पीसेस में नहीं होते, होते बड़े हैं लेकिन पहाड़ से छोटे पीसेस में,
ठीक है, मटेरियल्स फॉर्म दे आर देन कट विथ मशीन्स और विथ अ हैमर एंड चेजल। अब क्या होता है कि जब ये इन्हें हम पत्थरों को तोड़ लेते हैं डायनामाइट की मदद से, फिर हम लोग उन्हें डिफरेंट किस्म की मशीन्स, हैमर और छेनी हथौड़े की मदद से फिर हम इन्हें डिफरेंट शेप्स में चेंज करते हैं। मटेरियल्स फॉर्म रॉक्स आर यूज्ड टू मेक मैनी थिंग्स। फिर ये जो मटेरियल रॉक्स का मटेरियल होता है, फिर हम इनसे बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। लाइक यहाँ पर उन्होंने स्टोन बेंच बनाया हुआ है, इन पत्थरों की मदद से हम एक बेंच बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं। अक्सर आपने रिंग्स देखा है, रिंग्स के अंदर जो स्टोन लगा होता है ना, लाइक डायमंड, लाइक फिरोज़ा और नीलम और भी बहुत से कलर के पत्थर होते हैं जो रिंग्स में लगे होते हैं, वो भी हमें इन्हीं रॉक से मिलते हैं। ठीक है क्लास, अब बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, तो जल्दी से अपनी वर्कबुक्स ओपन कीजिए।